My lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all chapter number 3 from your English grammar book, that is nouns. So without getting any further delay, let's get started. So first question is, what is noun? A noun is a name of a person, place or a thing. तो noun जो है is the name of anything. तो वो किसी भी person का नाम हो सकता है, place का नाम हो सकता है, thing का नाम हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, गर्ल, हाउस, पेन, प्लांट, etc. किसी भी तरह का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है. टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन. सो वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन. प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम होता है. मतलब कि अगर हम लोग किसी खास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, या किसी जगह के बारे में, या किसी कोई सामान के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल शिवानी, अगर हम लोग शिवानी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो शिवानी के ही बारे में बात कर रहे हैं, मतलब शिवानी नाम की लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं, तो प्रॉपर नाउन. मुकेश, अंजू, दिल्ली, मुंबई, गंगा, etc. पार्टिकुलरली किसी पर्सन या थिंग के बारे में, प्लेस के नाम में बारे में ना हम लोग बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा. सेकेंड इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द सम काइंड ऑफ और क्लास, बॉयज, गर्ल्स, चाइल्ड, ट्री, बुक, बैग, etc. कॉमन नाउन जो होता है वो जो होता है सम काइंड, मतलब वो नाम होता है किसका, तो ऑफ द सम काइंड और क्लास. मतलब ऐसा, मतलब जैसे हम लोग बॉयज़, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ लिए, तो बॉयज़ में कोई एक बॉय तो नहीं आता है, उसमें सारे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स के बॉय आ जाते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया. गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स. इस तरह कलेक्टिव नाउन, दीज आर द नेम्स ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. ये जो होता है एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, या तो पीपल का या तो थिंग का. ग्रुप में क्या होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं होती है, या पीपल होते हैं एक ही तरह के होते हैं. फॉर एग्जांपल अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स. फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी एन एक्शन और स्टेट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जिसको टच नहीं किया जाता है बट वी कैन फील इट. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई कुछ ऑनेस्टी वाला काम किया तो हम लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं, पर ऑनेस्टी उसकी दिखती तो नहीं है लेकिन फील किया जाता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ द मैटर और मटेरियल द थिंग्स मेड ऑफ. मटेरियल नाउन कहा जाता है उस चीज़ को जिससे कोई चीज़ जो है वो बनी होती है, जैसे कि स्टील, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वुड, etc. तो इसको मटेरियल नाउन कहते हैं. एंड वन मोर थिंग, आई हैव ऑल्सो अपलोडेड a video on this particular topic on my YouTube channel. I will also provide the link of that video below my this video. Please go and check it out. Countable and uncountable nouns. The nouns can be counted. जिस noun को हम लोग count कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो हो गया countable nouns. For example, I have 3 pieces of bread. I got 5 rupees. ये सब में मतलब लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 जो भी count करके, तो ये countable noun हुआ. और अनकाउंटेबल नाउन्स इसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव मच शुगर. शुगर को तो कोई गिन नहीं सकता, कितना चीनी है, उतना टाइम तो फालतू वाला टाइम तो किसी के पास है नहीं. पर आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट, उनके पास फालतू का टाइम बहुत है, क्योंकि वो तो होमवर्क भी जमा नहीं करते हैं. एंड इट्स माई स्ट्रिक्ट वार्निंग टू देम, काइंडली सबमिट योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस. प्रॉपर नाउन्स लाइक राजेश, रोहन, चाइना आर द नेम्स ऑफ माई पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस. प्रॉपर नाउन जो है वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजेश, रोहन, चाइना, ये सब किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग का नाम है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता. सम कॉमन एंड मटेरियल नाउन्स लाइक वुड, मिल्क, स्टील, ग्लास, टी, इंक आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स. मिल्क को कोई नहीं गिन सकता, ग्लास को कोई नहीं गिन सकता, ये अनकाउंटेबल हुआ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक पेन, विजडम, एडवाइस, etc. आर ऑल्सो. किसी का दर्द कोई नहीं गिन सकता, किसी का एडवाइस कोई नहीं गिन सकता, ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ. सो डैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक.